की ओर से स्वागत है। पूरे राष्ट्र से 23 प्रदेशों के प्रतिनिधि आए हैं। भारत में नेपाल प्रदेश के अध्यक्ष, नेपाल देश के भी अध्यक्ष आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा महासभा और कुर्मी पाटीदार महासभा की ओर से कि हमारे बीच आए और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस पावन धरती पर मैं महासभा के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। बहुत संघर्ष किया बाबू गैदन लाल जी से लेके एलपी पटेल तक, संघर्ष ही संघर्ष चलता रहा इस महासभा में। लेकिन अंततः 1894 के बाद पिछले 10 साल में हमारी महासभा को एक स्थिरता प्रदान हुई। आज माननीय मंत्री जी, हमारे 32,86,00,000 कुर्मी समाज के लोग यहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके बारे में हमने एक पुस्तक आपका विमोचन आपके द्वारा होगा। इन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुर्मी पाटीदार और कुर्मी समाज, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूरब भारत के लोग आज सब एक साथ, सभी प्रतिनिधि, सभी महिला युवा जनरल अध्यक्षगण हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा काम किया। बाबू गैदन लाल जी, बाबू रामाधीन जी ने ये संस्था क्यों बनाई? बहुत सारे नए लोग हैं, उनको मालूम नहीं होगा। अंग्रेजों ने चंपारण जिले में प्रतिबंध लगा दिया था कि कुर्मी जात के किसी व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकता, किसी डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर में काम नहीं कर सकता। 3 महीने संघर्ष चला, जेल में बंद रहे लोग। उन्होंने फिर 1894 कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया और अगले 3 महीने बाद ब्रिटिश सरकार को, हुकूमत को यह फैसला वापस लेना पड़ा कि हम ये फैसला वापस लेते हैं और कुर्मियों को शासकीय कार्यों में भागीदारी दी जाएगी। उनकी बदौलत आज हम महासभा के एक विशाल स्तर पर खड़ के तैयार हुए हैं। हमारे 14 से 88 उपजातियां हैं पूरे भारत में। केवल ईस्ट में आसाम छोड़ के और नॉर्थ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे भारत में हम लोग छाए हुए हैं। और आज यहाँ सब लोग हैं, सभी प्रतिनिधि हैं। महोदय, है ये कुर्मी जात तो आप जानते ही हैं कि पटेल जात है। आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर नहीं है, कुछ लोग कमज़ोर हैं तो वो आज प्रगति कर रहे हैं। पहले शिक्षित नहीं होते हैं, अब शिक्षित और संस्कारवान भी होने लगे हैं। और अब पहले के समय में, आज के समय में बहुत अंतर हो गया है। हमारी आप लोगों से अपेक्षाएं रहेंगी। जब हमारे समाज के कार्यक्रम होते हैं, समाज के लोग मिलने जाते हैं, तो कृपया कर उनसे अब अवश्य मिलें और अपने एक छत्र छाया में उनको योगदान दें, ताकि उनकी उन्नति में, प्रगति में लीगली कोई दिक्कत ना हो, राष्ट्र के लिए वो राष्ट्र निर्माण के काम में संविधान के तहत काम कर सकें। ऐसी हमारी अपेक्षा पूरे मंच में बैठे हुए अतिथियों से है। वल्लभ भाई पटेल ने ये खंड खंड भारत को एक बनाया था, अखंड भारत बनाया था। आज कई प्रदेशों में, आज हमारे यहाँ भी एक दिक्कत है कि छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं खंड खंड। पिछली कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कई स्थानों पर, कई प्रदेशों में अगर लोग अलग अलग हैं तो उनको एक साथ किया जाए। मैं यहाँ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई देना चाहूँगा, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने हमें लता ऋषि चंद्राकर को बुला के बहुत बड़ा सम्मेलन किया था पिछले 2-3 साल पहले, और खंडाय समाज से लेके जितने उत्कल समाज थे सबको एक करके एक साथ मंच पर ला दिया उड़ीसा को। मैं उन उड़ीसा वासियों को भी स्वागत करूंगा जो सब लोग यहाँ आए हैं, कि आप लोग एक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमको थोड़ी दिक्कत है, हम लोगों ने निर्णय ले लिए हैं। आज 6 बजे की कार्य समिति में फिर निर्णय लेंगे। जो आप लोग प्रस्ताव रखेंगे, जो आप लोग प्रवचन में अपनी बात कहेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे समाज को कहाँ ले जाना है, संगठन में कहाँ ले जाना है, ध्यान हम लोग ये रखते हैं कि राष्ट्र के बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी लकीर बड़ी करना है। हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करना है, किसी धर्म जात से कोई लेना देना नहीं, उनको भी बढ़ाना है। लेकिन हमारी लकीर राष्ट्र निर्माण में इतनी बड़ी हो ताकि लोग समझें कि पटेल समुदाय न केवल खेती का काम करता है, अन्य कार्यों में भी राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ है। साथियों, अभी व्यापार में हम लोग बहुत पीछे हैं। सतीश भाई ने बहुत पहले बात की, जयंती भाई ने बात की, मनु भाई ने बात की कि हम सम्मेलन बहुत करते हैं संगठन के,
लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? सब लोग अपनी बात कह जाते हैं, कुछ गुस्से में बात कह जाते हैं, किसी को कोई कहता है मुझे सम्मान नहीं मिला, कोई करता है कुछ है। हमने कहा कि भाई एक हम सम्मेलन व्यापार सम्मेलन रखेंगे, आपको एक नया माहौल मिला होगा, आप लोग सब लोग हैं, मिला है कि नहीं मिला है माहौल? हाथ उठाओ, मिला? धन्यवाद, गुजरात भाइयों को धन्यवाद दीजिए। ये पहली बार हुआ है कि डिजिटल युग में, माननीय सांसद मैडम जो है यहाँ की मुस्कुरा रही है, पहली बार ये हुआ है कि प्रत्येक आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन कहाँ से आया, क्या नाम है, कितने लोग उनके साथ हैं, कहाँ से लेना है, कहाँ रुकाना है। ये अनूठा कार्यक्रम हुआ है, मैं चाहूँगा आपसे ताली बजा के गुजरात वासियों को सम्मान दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो व्यापार सम्मेलन है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। अगर महिलाएं व्यापार करेंगी, आज हमारी 1.5 करोड़ महिलाएं छोटे छोटे लघु उद्योगों में व्यापार कर रही हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कुछ देखना है यहाँ भी मिलेगा, अहमदाबाद में भी मिलेगा, 1,500 महिलाएं छोटे छोटे घर की अपना पार्ट टाइम लघु उद्योग में लगाए हुए हैं और अपने बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। उसके लिए आवश्यकता, इसलिए ये सारा जो पंडाल लगाए गए हैं ये उसके लिए लगाए गए हैं। और 1:30 बजे के बाद जो हमारे युवा आए हैं, युवतियाँ भी आई हैं, सीता बहनें भी आई हैं, उनके लिए भी ये कार्यक्रम रखा है कि ताकि हम पूरे भारत के लोग मिलके एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे से रिश्ता बेटा बेटा बेटी का जोड़े। वो कार्यक्रम रखा है कि हमें कौन सी योजना में कौन सा फ़ायदा मिल सकता है, हमारे लोग कितने आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ गोविंद भाई भी बैठे हैं जो डायमंड के हैं, बालाजी भाई भी हमने राजकोट से मिले थे, यहाँ ऐसे लोग हजारों लोग हैं जिन्होंने जीरो से काम शुरू किया है, यहाँ बैठे हैं वो लोग। और आज देश में न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। आप भी कर सकते हो, आप भी अपने बच्चों से कर सकते हो। उसके लिए हमने ये व्यापार सम्मेलन रखा है, आप लोगों को मिलेगा। बच्चों को शिक्षा संस्कार देना है ताकि हमारे बच्चे सुसंस्कृत हों। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा माननीय अतिथिगण, थोड़ा कटु है, हमारा झारखंड में आंदोलन चल रहा है, हमारे तमिलनाडु के भाई यहाँ आए हैं, तमिलनाडु में आंदोलन चल रहा है, दोनों में केंद्र सरकार की भूमिका की आवश्यकता है। आज परेशानी है, उन लोगों को डीनोटिफाई कर दिया गया है शेड्यूल ट्राइब से ओबीसी में, जबकि वो जन्म जन्मांतर से हमेशा शेड्यूल ट्राइब में रहे हैं, उनके लिए आपकी जरूरत है। बहुत जन आंदोलन हुआ। दूसरी दक्षिण भारत में आंदोलन है कि हमारे समाज के लोगों को मुख्यधारा में नहीं ला रहे हैं, 12 समाज के टुकड़ों को, 6 टुकड़ों को नोटिफाई कर दिया है केंद्र सरकार को, 6 लोगों को नहीं किया है, जबकि जितने मंदिर बने हुए हैं दक्षिण भारत में, मान मदुरई मंदिर से लेके रामेश्वरम मंदिर से लेके कन्याकुमारी के मंदिर से लेके तिरुवनंतपुर का मंदिर, ये कुर्मी समाज ने बनाया है, चोला वंश ने बनाया है, चोला वंश ने बनाया है। आप देखिए वहां तांबे के पत्थर पर लिखा हुआ है, हमारे पांडव वंशों ने बनाया है। अभी जब दूसरे सेशन में तमिलनाडु के भाई अपनी बात रखेंगे तो हम आप बात करेंगे, चूंकि अतिथि हमारे नहीं रहेंगे तो उनके दिमाग में हम ये बात लाना चाहते हैं कि उन लोगों ने बनाया है लेकिन डीनोटिफिकेशन 12 उपजातियों को ना करके 5 उपजातियों को किया है। सुप्रीम कोर्ट में गए इसलिए हम नहीं कह सकते अभी, अगर आप हमें मदद करें तो हम सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लेंगे ताकि हमारी बेल्लोर जात के, राजेंद्र कुलम जात के सब लोग जात के एक हों, 1488 उपजात में। एक बात बहुत अच्छी लगी, अगले साल 31 अक्टूबर को हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की रथ यात्रा की प्रस्ताव रख रहे हैं, ये पूरे भारत में रथ यात्रा चलेगी और ताल कटोरा में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे 31 अक्टूबर। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? बहुत 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 कठिन बात है कि पूरे राष्ट्र के लोग, पहले राज्य में रथ यात्रा लगेगी, मनु भाई उसके जिम्मेवारी लेंगे, गाइड करेंगे, हर प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी, हमारी युवा, हमारी जो महिला इकाई है वो 23 प्रदेश में सबसे जागृत इकाई, यहाँ आए हैं सब महिलाएं और एक से एक बेहतरीन कलाकार हैं, ज्ञाता हैं, सांस्कृतिक ज्ञाता हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, वो यहाँ बैठी है बहनें, तो इस रथ यात्रा में उनका भी भाग लेना है। तो दो काम वहाँ हम लोग करना चाहते हैं कि पटेल जयंती के अवसर के पहले रथ यात्रा निकले, तो ये आप करिए ताकि ये गुजरात के भाई हमारी मदद करें। हमने एक बुक्स बनाई है अभी माननीय अतिथियों के द्वारा,
उसका विमोचन होगा। इस बुक में हिस्ट्री पूरे कुर्मी समाज की, कल्चरल पूरे पूरा वर्णन दिया है, पूरे प्रदेशों की हिस्ट्री दी गई है। वो यहाँ पंडाल नंबर 6 में उपलब्ध है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, वो पंडाल नंबर 6 में उपस्थित है। एक एक किताब जरूर लेके जाएं, बहुत छोटा सा नॉमिनल उसका रखा है। छत्तीसगढ़ के भाइयों ने बीआर कौशिक, जितेंद्र संग्रोल और जो नई कमेटी उनकी बनी है, उन्होंने बनाया है। कृपया आप लोग एक एक बुक जरूर ले जाएं। ये नया रूप दिया है उसको, कोशिश की है, छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, तो आप ध्यान देना। दिल्ली भवन के लिए मैं गुजरात भाइयों को बधाई दूंगा, 10 करोड़ का भवन उद्घाटन हो चुका है। राम जी भाई खड़े यहाँ हैं, राम जी भाई खड़े हों, मनु भाई खड़े हों, आप राजमी भाई पड़े हों, इन्होंने इनकी वजह से, इनकी पूरी टीम की वजह से 10 करोड़ का भवन तैयार होकर हमारे प्रदेश को गया है, जिसमें गरीब बच्चे जो PCS UPSC में सेलेक्ट होते हैं वो करते हैं। मैं अंत में सभी का स्वागत करते हुए मैं कहता हूँ, लोग पैसा बहुत कमाते हैं, कोई किसी के भरोसे नहीं है, सब अपना खाना खाते हैं, किसी के पास अरबों रुपये होता है, किसी के पास 10 रुपये होता है, तो जो हर फूल वही कहलाता है जो आसमान में उड़ के सुगंध दे, आसमान में उड़े और सुगंध दे वही फूल कहलाता है। हम सब लोग बीज हैं, जितने लोग इकट्ठे आए हैं यही बीज बन के फूल बन के आसमान में उड़ेंगे, तो सुगंध पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। और इसी के साथ मैं अंत में सभी लोगों को आभार करते हुए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पधारे। परेशानी अगर कोई हुई हो तो मैं उसके लिए खेद है। मैं पुनः मंच में बैठे हमारे माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय ट्रस्टी भाई सभी को धन्यवाद देती हूँ। अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बोलो भारत माता की, सरदार भाई पटेल की। मैं हर मरा का, स्वराज का, शिवाजी राजे का।